हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे, आर टी ओ बैच 2021। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की घटना चक्र, यानी कि पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी की जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है उसको हम कैसे पढ़ें। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि क्या ये बुक पीसीएस के लिए सफिशियंट है, कि इसके अलावा शंकर आईएएस या कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पीसीएस की जहाँ तक बात है वहाँ तक ये बुक 100% सफिशियंट है, आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिर्फ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप यूपीएससी या कोई और तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप शंकर आईएएस फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक के अलावा कुछ और फॉलो मत कीजिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बार इसी बुक को पढ़िए। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इस बुक को पढ़ने के लिए आप, बहुत लोग का ये क्वेश्चन होता है कि स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, जैसे ये चैप्टर है, पहला चैप्टर पर्यावरण और सतत विकास, मींस की एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये जो है इसमें स्टार्टिंग में जो ये चीजें दी हुई हैं, क्या इनको ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो क्या इन एक्सप्लेनेशन को पढ़ना जरूरी है या फिर सीधे क्वेश्चन पे आ जाना चाहिए। अगर आप यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप एक्सप्लेनेशन मत पढ़िए, क्योंकि बॉक्स में भी काफी हद तक एक्सप्लेन कर ही देता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, हर चैप्टर में दो दो तीन तीन क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस हैं भी नहीं, तो आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और बॉक्स में लिखे हुए चीजों को, बस ये जो बॉक्स में लिखा रहता है आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग लगभग उतनी ही बनेगी। लेकिन जिनको 2024, 25 उसके आगे का प्रीलिम्स मेंस देना है, वो क्योंकि उनके पास अच्छा खासा टाइम है तो वो पूरा पढ़ लें तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मेंस में भी ये चीज़ें काम आती हैं। तो इस पहला ये क्वेश्चन लोगों का था। दूसरा क्वेश्चन लोगों का ये था कि घटना चक्र को पढ़ें तो कैसे पढ़ें। देखिए, घटना चक्र को पढ़ें तो कैसे पढ़ें, ये जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होता है वो ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप ज़रूर एनालाइज करें। मतलब 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाएं और उसको बहुत अच्छे से जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमको कहाँ से कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। किसी भी बुक को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही होता है कि आप जानें कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए, इस बुक की जहाँ तक बात है, पहले ये बुक बहुत पतली आती थी, अब चूंकि एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में देने लगा है तो ये बुक को काफ़ी मोटा बना दिया गया है। जिनको 2023 का प्रीलिम्स देना है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, और वो खास करके जो यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन पे ध्यान दें और उनका ही एक्सप्लेनेशन बॉक्स में पढ़ लें, उससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनको 2023 देना है, टाइम ज़्यादा वैसे भी नहीं है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 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 पढ़ते जाएं और क्वेश्चन को ही एक्सप्लेनेशन देख लें, और जहाँ पे आपको लगता है कि हम मेरा तैयार है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी, जो बॉक्स में एक्सप्लेनेशन रहता है उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बाकी लोगों को बता दूं कि कैसे किसी बुक को पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने 2021 में जो एनवायरमेंट के क्वेश्चन आए थे उनकी उनकी एक लिस्ट बनाई है हमने, और वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो लिस्ट। तो वो ठीक है, तो ये वो लिस्ट है जो आपको मैं दिखाना चाहती थी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में पीसीएस 2021 में जो क्वेश्चंस आए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि 15 से 18 क्वेश्चंस हर साल आते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं, बाकी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके सीधे घटना चक्र से आते हैं। देखिए, पीसीएस में ज्यादातर क्वेश्चंस ना घटना चक्र से ही आते हैं, घटना चक्र को आप किसी भी कीमत पे स्किप नहीं कर सकते। अगर पीसीएस में 150 क्वेश्चन आता है, करंट की भी एक घटना चक्र अगर हम मान लें करंट वाली को, तो समझ लीजिए कि 130 से 135 क्वेश्चन ऐसा होता है जो टोटल घटना चक्र से ही आता है। घटना चक्र के टोटल 8 पार्ट होते हैं, जो लास्ट में करंट वाली आती है, वार्षिकांक जो आता है, ईयरली मैगजीन, उसको मिला करके सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन टोटल पेपर में ऐसे आते हैं जो घटना चक्र से नहीं होते हैं। तो घटना चक्र को आप किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते। घटना चक्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस करंट अफेयर्स, यही है आपका पूरा पीसीएस का एग्जाम। अब देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, ये तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, 2021 में उस टाइम ये लाया गया था तो इसलिए पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन इको मार्क्स रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, सेंटर फॉर
रिसर्च ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सेंट्रल एग्रोफॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये और ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं उनको मैचिंग करना था। एक क्वेश्चन ये था, रामसर साइट यूपी से रिलेटेड है, यूपी से रिलेटेड रामसर साइट को पूछा गया था क्योंकि उस टाइम पे यूपी में 3-4 रामसर साइट्स को ऐड किया गया था। फिर इकोसिस्टम पे एक क्वेश्चन पूछा गया था असर्शन और रीजन पे कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज हेंस इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन एक्टिविटीज तो इम्पैक्ट करती ही हैं। तो इस तरह से असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस पूछे गए थे। वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। तो इकोसिस्टम के सारे जो वो होते हैं ना, जितने भी इकोसिस्टम के कंपोनेंट होते हैं ना, वो सारे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसमें नॉट इंटरडिपेंडेंट लिख दिया तो ये गलत हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था परमानेंट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में हमारे 3 रिसर्च स्टेशन हैं, तीनों को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद SDG इंडेक्स नीति आयोग का, चूंकि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में होता है इसलिए SDG इंडेक्स पूछा जाता है। नेट जीरो गोल फॉर 2050, उस टाइम पे वर्ल्ड का जो नेट जीरो गोल की बात चल रही थी, कार्बन के नेट जीरो गोल की, वो 2050 चल रही थी और उस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम जो अक्सर ही पूछा जाता है, मिथमोग्लोबिन या फिर नाइट्रेट से होता है, जो घटना चक्र में कई जगह पे दिया हुआ है, ये आपको साइंस में भी मिल जाएगा, ये आपको एनवायरनमेंट में भी मिल जाएगा, ये आपको ज्योग्राफी में भी मिल जाएगा। उसके बाद EPA कब पास किया गया, EPA मतलब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन लाइकेन जनरली होता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है, सारी सारे आपके घटना चक्र में। नॉन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का क्या है, एनर्जी वाले चैप्टर में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। कार्बन क्रेडिट क्या होता है, कार्बन क्रेडिट पे एक क्वेश्चन आया था, वो उस टाइम पे न्यूज़ में रहा होगा इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आया, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, डिफ्यूजन क्यों होता है, CO2 की वजह से होता है, डस्ट की वजह से होता है, हीलियम की वजह से होता है, वाटर वेपर की वजह से होता है। बायोस्फीयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और एक फ्लाई ऐश से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो आपके इतने क्वेश्चंस, 15 से 18 क्वेश्चंस आए थे जिसमें आप खुद देख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ के बता दिया, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो घटना चक्र से डायरेक्टली आ गए हैं। इनमें से एक आध क्वेश्चंस होंगे जो शायद आप ना कर पाए, बाकी जनरली लोग कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो आपको PCS की तैयारी अगर करनी है ना, तो उसके लिए आपको दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, आप स्टेबल होकर के घटना चक्र की ही पढ़ाई करें। अब हम लोग घटना चक्र के चैप्टर्स पे आते हैं कि किन चैप्टर्स को अभी, जिनको देखिए, जिन जिनको एग्जाम 24, 25, 26 में देना, वो तो पूरी एनवायरनमेंट की जो घटना चक्र है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, लेकिन जिनको एग्जाम 2023 में देना है वो किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो एक बार खोल लेते हैं घटना चक्र। तो अब देखिए, जैसे ये चैप्टर्स हैं, पर्यावरण और सतत विकास, तो जितने यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए वो पढ़ लीजिए। सतत विकास में आपको जो 17 गोल्स हैं उन 17 गोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा गोल किससे रिलेटेड है, क्योंकि कभी कभी मैचिंग में भी पूछ देता है और कभी कभी पर्टिकुलरली पूछ देता है कि ये गोल नंबर 6 किससे रिलेटेड है। और खास करके जो अगर हमारे वहां जिस पर्टिकुलर गोल पे ज्यादा काम हो रहा है उस गोल के बारे में कभी कभी पूछ देता है। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग का पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सीधे यूपी में आए हुए क्वेश्चंस पे सीधे सीधे जाएं। देखिए, अगर हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें ना, तो वो जरूरी है आपको सारे जो ये सारी यूनिट्स दी हैं, यूनिट्स तो सारे जरूरी ही हैं, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस जो यूपी में आए हुए हैं उनको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, सारे चैप्टर्स के वो क्वेश्चंस तो पढ़ने ही हैं। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, ये हरित गृह प्रभाव और ये ओजोन परत में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, देखिए जो ये दोनों है ना, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन्य एवं वन्य जीव और अभयारण्य और जैव मंडल। आपको बहुत डिटेल में कुछ भी नहीं जानना, क्योंकि PCS में कुछ भी डिटेल में नहीं पूछता, बहुत सरफेस लेवल पे पूछता है, तो आपको सरफेस लेवल पे सारी चीजें जाननी है।
आप जैसे प्रदूषण ही पढ़ रहे हैं या वैकल्पिक ऊर्जा पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत सरफेस लेवल पे आप जान लीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है। जल संरक्षण के नॉर्मली उपाय क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या चल रही है, बस आपको यही जानना है। लेकिन देखिए, वन वन और वन्य जीव में एक क्वेश्चन आता है कि कौन से जीव वल्नरेबल है, कौन से इनडेंजर है, कौन से क्रिटिकली इनडेंजर है। ये पीसीएस में नहीं पूछा था, क्रिटिकली इनडेंजर डेंजर बहुत ज्यादा कोई न्यूज में रहा तो वही पूछ लेगा, नहीं तो पीसीएस में जनरली ये सब नहीं पूछा जाता है कि कौन सा वल्नरेबल है, कौन सा इनडेंजर है, कौन सा क्रिटिकली इनडेंजर है। ये यूपीएससी में ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अर्थ कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, अब मैं थोड़ा चैप्टर्स की तरफ चलती हूँ, मैं अब चैप्टर्स देखती हूँ और उस हिसाब से मैं फिर आपको बताती जाऊंगी। तो देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि धारणीय विकास और सतत विकास, या सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको 17 गोल्स के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। और ये स्टार्टिंग का मत पढ़िए, जो पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन से वही पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रकृति में कार्बन चक्र या जल चक्र, इस पे भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन है बस उसी पे आप चले जाइए, जो पीसीएस में आए हुए हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट का जो ये दिया है गैस और उसके प्रतिशत, इसका एक होता हो एन, इसका एक होता है कि एन ओ ए सी एन, एन ओ ए सी एन आप याद कर लेंगे। ये पांच गैसें होती हैं जो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, ये परसेंटेज पूछ लेता है कभी कभी, तो ये आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत है, एन ओ ए सी एन गैसों का परसेंटेज है। उसके बाद बहुत ज्यादा साइकिल वाइकिल पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण सुरक्षा में आप पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़िए। और सतत विकास में सूचकांक, तो देखिए एक इंटरनेशनल इंडेक्स होता है जो कंट्रीज का होता है, और एक नीति आयोग निकालता है स्टेट्स का, तो आपको दोनों ही इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंडेक्स पढ़ के जाना है। उसके बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, देखिए ये वाला चैप्टर जो है ना, रियो समिट पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि इसी को जब आप समझेंगे तभी आप जितने कॉप हो रहे हैं आप उनको समझ पाएंगे, COP28, COP27 और क्योटो प्रोटोकॉल, UNFCCC, ये सब तभी आप समझ पाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। Rio+20 मतलब 20 साल बाद उसके फिर हुआ। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम, तो तीन अधिनियम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उन अधिनियम को आप पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चंस में हालांकि वो दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन और इसके एक्सप्लेनेशन को ही पढ़ लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको पढ़ने की 2023 वालों को जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जैसे पारितंत्र के घटक, कॉम्पोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, तो एक एक चीज हम आपको बताते हैं कि जैसे सबसे पहला एक क्वेश्चन इसमें पूछ लेता कि इकोसिस्टम नाम किसने दिया था, इकोसिस्टम का नाम दिया गया था टेंसले के द्वारा, तो हम लोग कैसे इसको रटते हैं, इकोसिस्टम टेंसले, सिस्टम टेंसले मतलब सिस्टम टेंसले ऐसे कर देंगे, तो मतलब इकोसिस्टम, क्योंकि चारों का पूछ देता है कि बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, बायोलॉजी, इकोलॉजी, इनका नामकरण किसने किया था, किसने कॉइन किया था इनके नेम को, और उनके आगे उनका नाम दे देगा, तो आपको मैच कराना होता है कई बार। तो इस तरीके से जब एकाध आप ऐसे याद किए रहेंगे ना किसी टेक्निक से, तो वो वहां पे गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। देखिए पीसीएस में ना, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये कि आप टेक्निक बनाइए कैसे रटेंगे चीजों को, क्योंकि यहाँ पे ना रटना ही बहुत ज्यादा है, डीप में कुछ भी नहीं पूछता है, बहुत ज्यादा सरफेस से पूछता है, लेकिन उसी सरफेस को आप 100% रटा होना चाहिए, तभी आप प्रिलिम्स निकाल पाएंगे। जैसे एक होता है कि नागपुर में नीरी जो संस्थान, नेशनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, NEERI, तो उसमें दो ई है, तो नीरी नागपुर, ऐसे आप याद कर लिए नीरी नागपुर, तो अगर आपका एग्जाम में ये आता भी है तो आप बड़े आसानी से उसको कर लेंगे। इसी तरीके से आप टेक्निक्स बनाइए, जैसे एक टेक्निक होता है कि बायो जियो केमिकल साइकिल में जो जितने पांच साइकिल्स होती हैं, अभी आगे चल के बताएंगे आपको उसमें, तो इस तरीके से उनके घटक आप पढ़ लीजिए, फिर जो क्वेश्चंस आए उन्हीं पे ज्यादा फोकस करते जाइए। बायो देखिए, पिरामिड्स और वल्नरेबिलिटी, ये सब बहुत ज्यादा पीसीएस में नहीं पूछा जाता है, जैसे ये पिरामिड है इस पे बहुत ज्यादा पीसीएस में प्रश्न नहीं पूछा था, आप नॉर्मली बस देख लीजिएगा ऐसे ही, इन्वर्टेड वगैरह ये सब यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप यूपी पीसीएस में इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब जैसे बायो जियो केमिकल साइकिल, यहाँ से भी आप इसको साइकिल को समझने की जरूरत नहीं है, बस पीसीएस में जो क्वेश्चन आए बस उन्हीं को पढ़ लीजिए।
अब जैसे ये है, ओडम नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था कि अनुक्रमण, जो सक्सेशन होता है, सक्सेशन जिसको अनुक्रमण हिंदी में कहते हैं, उसके 5 साइकिल्स होती हैं। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? इसको आप याद कर लेंगे एन मर्स, MERS, एन मर्स करके आप इसको याद कर लेंगे, MERS, मतलब MERS। तो एनमर्स, न्यूडेशन, माइग्रेशन, स्टेसिस और रिएक्शन और स्टेबिलाइजेशन, एनमर्स। इस तरह की आप जब टेक्निक लगाएंगे ना, हर सब्जेक्ट में आपको इस तरह की टेक्निक लगानी पड़ेगी, तब जाके आप सब्जेक्ट की स्टडी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो लेकिन ये वाला चैप्टर, इसमें बस यही एक चीज याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इस चैप्टर में को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हमेशा ये चीज तो आप याद रखिएगा, जैसे इसमें लिखा है पारिस्थितिकी संक्रमण, मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी, तो ये किसने नाम दिया, किसने अवधारणा दी, ये सब बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इकोसिस्टम वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम वाला चैप्टर तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में जितने भी आपके रामसर साइट्स, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, फॉरेस्ट रिपोर्ट को तैयार करना काफी जरूरी है। फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या पढ़ना है ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, जो रामसर साइट्स या टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब है ना, ये एक दिन में तैयार होने वाली चीज नहीं है। इनको आप या तो इनका प्रिंट आउट निकलवा के आप जहां पढ़ते हैं उसके सामने रख लीजिए, या अपने टेबल पे ही रख लीजिए, बार बार इनको पलटते रहिए आप। चार चार पांच पांच रोज अगर याद करेंगे आप, तो धीरे धीरे करके एक ज्योग्राफी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और रटना बहुत ज्यादा होता है, तो आप एक दिन में इनको रब मत रटिए। मैप भी है, तो आप रोज 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 थोड़ा थोड़ा मैप देखिए। इसी तरीके से जब आप कोई जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब आप पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि बहुत ज्यादा इंडिया में है, तो ये तो मैप के थ्रू आप रट सकते हैं, और नहीं तो दूसरा लिखा जहां पे है उसको थोड़ा थोड़ा करके आप देखते रहिए, क्योंकि पढ़ना तो है ही, पूछता बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपका आ जाते हैं जैव विविधता। ये देखिए, ये सब जो चीजें दी हुई हैं, सब क्वेश्चंस जो आए हैं उन्हीं से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है, बहुत ज्यादा आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। IUCN से रिलेटेड जो चैप्टर होगा, और IUCN में इंडेंजर और ये सब चैप्टर आप वहां से हटा दीजिएगा, मत पढ़िएगा। ओजोन में भी जो क्वेश्चन PCS में आए हुए हैं, जैसे ये आया हुआ है वायुमंडल में, देखिए ये भले एक्सप्लेनेशन बहुत टफ, कई बार ना ये एक्सप्लेनेशन ना बहुत टफ दिया रहता है, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन जो क्वेश्चन PCS में आते हैं वो काफी ईजी होते हैं, तो आप क्वेश्चन पे पहले ज्यादा फोकस कीजिएगा। इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉरेस्ट रिपोर्ट को काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट में चार पांच चीजों को ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला तो कि कितना प्रतिशत ट्री कवर है और कितना प्रतिशत फॉरेस्ट कवर है। ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर, वनावरण और वृक्षावरण। ट्री कवर मतलब वृक्षावरण, वनावरण, और टोटल मिला के परसेंटेज कितना है। दूसरी बात है कि इंडिया के कौन से 3 स्टेट में सबसे ज्यादा वनावरण है, सबसे ज्यादा वृक्षावरण है, और कौन से 3 स्टेट में सबसे कम वनावरण और सबसे कम वृक्षावरण है, ये इतना आपको पढ़ना है। इसके अलावा फॉरेस्ट रिपोर्ट में एक क्वेश्चन और अक्सर बनता है यूपी से रिलेटेड, सेम चीज आपको यूपी से रिलेटेड, कितना वृक्षावरण है, कितना वनावरण है, टोटल कितना है, और कौन से 3 जिले हैं जहां पे बहुत ज्यादा वनावरण वृक्षावरण है, और कौन से 3 जिले ऐसे हैं जहां पे कम वनावरण और वृक्षावरण है। यही सेम चीजें, दो चीजें आपको PCS में स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे दोनों में जानना है। इस तरीके से आप ये जो घटना चक्र है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की पढ़ सकते हैं। ज्यादा फोकस आप स्टेट में आए हुए क्वेश्चंस पे कीजिए, और देखिए जिनको आगे देना है वो पूरा ही पढ़े, स्किप ना करें, उनको अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ेगी, मेंस में आंसर लिखने की क्षमता उनकी ज्यादा अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।